हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह सो स्टूडेंट्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2023 स्केल टू स्केल थ्री एग्जाम इज गेटिंग वेरी क्लोज एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट यू शुड स्टडी इन नेक्स्ट फोर फाइव डेज दैट कैन एक्चुअली बूस्ट योर मार्क्स सो जल्दी जल्दी क्या पढ़ना चाहिए लास्ट के चार पाँच दिनों में जिससे आपके स्कोर सात आठ मार्क्स और बूस्ट हो जाएँ सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू शुड स्टडी लास्ट के दिन तक यू गिव योर हंड्रेड परसेंट सो दैट यू कैन एड ऑन एक एक दो दो मार्क्स आप जोड़ते जाएं राइट दैट्स हाउ वी एवरीबडी शुड स्टडी तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ इन द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन आर्ट बे सर्कुलर्स नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स दीज थ्री एंड फोर्थ वन इज काइंड ऑफ रेशियो एनालिसिस ये चार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अ लॉट ऑफ क्वेश्चन वुड बी देयर फ्रॉम दीज फोर टॉपिक्स आरबीआई सर्कुलर्स गवर्नमेंट स्कीम्स नैगोशियबल इंस्ट्रोमेंट्स एंड वन रेशियो एनालिसिस दीज आर द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इफ यू डोंट वॉन्ट टू वॉच रेस्ट ऑफ द सेशन इट्स योर विश बट ये याद रखें इफ़ यू हैव नॉट रिवाइज एनी ऑफ दिज टॉपिक्स प्लीज़ डो इट बिकॉज अब भूल जाएंगे नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऐसा है आपको सेक्शन भी याद करना है रेशियो एनालिसिस में आपको रेशियोज याद कर रही आर बी सर्कुलर एनी वेज आप भूल जाओगे बिकॉज प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग आई आर एस नोम सब कुछ तो उसके अंदर है ठीक है सो यू हैव टू डू दिस माई नेम इज रमनद सिंह एंड आई बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम टू फ्रॉम लास्ट ट्वेल्व ईयर सो एंड टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस राइट सो आई हैव वर्क विदिन अ बैंक बट नाउ आई एम नॉट वर्किंग द एनी मोर सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर यू कैन आस्क योर डाउट्स एनी टाइम एंड आई टू आंसर योर डाउट्स ओके सो सेवेंटी फाइव परसेंटेज जो है सेवनटी फाइव परसेंटेज जो है वेटेज दैट इज ऑफ ऑनलाइन एग्जाम ट्वेंटी फाइव परसेंटेज इंटरव्यू सो गिव यूर बेस्ट इफ यू आर एबल टू गुड स्कोर रियली वेल इन द रिटर्न एग्जाम देन सिलेक्शन होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं ठीक है प्लीज नोट दैट एंड द इन द एग्जाम नाइंटी क्वेश्चन आर देयर आउट ऑफ वन फिफ्टी नाइंटी क्वेश्चन आर देयर फ्राम द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन सबसे ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट तो ऑब्वियसली है लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज 90 मार्क्स का जो है प्रोफेशनल नॉलेज का 60 मिनट्स आर अलॉटेड टाइम इज नॉट एन इशू इन प्रोफेशनल नॉलेज दैट कैन बी एन इशू इन रीजनिंग एन द क्वांट बट प्रोफेशनल नॉलेज में ऐसा कोई भी आपको बाउंड नहीं होगा कि सिक्सटी मिनट्स में नाइन्टी क्वेश्चन नहीं कर पाए ईजिली हो जाते हैं थ्रेटिकल है ओके okay. सो इफ़ देर इज़ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसपे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वैसे क्वेश्चन पहली बात तो आते ही नहीं है ज़्यादा जिसमें कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत पड़े नहीं आते हैं रेशियो एनालिसिस के जो क्वेश्चन आते हैं वो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाते हैं ओके द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नोटिस वैसे तो ये स्टडी प्लान मैंने पहले बनाया था आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू डिटर इंटरप्रिटेशन देखिए आउट ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन वट यू कैन एक्सपेक्ट

मिक्सचर्स पार्टनरशिप्स प्रॉफिट एंड लॉस राइट सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जहाँ पे यू कैन ईजिली स्कोर द मार्क्स आप सात आठ मार्क्स ऐसे ही फैच करके ले आओगे अदरवाइज टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पाइप्स एंड सिस्टेंस फ्रॉन बेस्ड ऑन ट्रेन परसेंटेजेस एलजैब्रा क्वानटिव इक्वेशन तो है ही है क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है अनटिल अनलेस आउट ऑफ ट्वेंटी जो आपकी कैपेबिलिटी है वो है ग्यारह बारह मार्क्स की मैं एक जनरल बता रहा हूँ आपकी कैपेबिलिटी है ग्यारह बारह मार्क्स लेने की बट यू आर ट्राइंग टू फेच लाइक नाइनटीन ट्वेंटी ये आप सोच के बैठे हो कि मुझे अठारह उन्नीस बीस मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ ट्वेंटी देन वट यू लैंड अप यू लैंड अप स्कोरिंग लाइक थ्री फोर बिकॉज आपने हर एक क्वेश्चन को उतना टाइम नहीं दिया एंड देर आर देर इज अ लॉर्ड ऑफ नेगेटिव मार्किंग आपकी नेगेटिव स्कोर आ गए एंड देन तो दैट इज एन इशू ठीक है तो ये इशू रहता है इसको ध्यान में रखें आप तो हर एक क्वेश्चन को टाइम देना जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रीशन पैराजेंस वो कैबलरी एर स्पॉटिंग इन द क्लोज टेस्ट इन द इन द रीजनिंग एबिलिटी पजल सिटिंग आई बी टेलिंग यू पिछले एग्जाम्स में क्या है अरेंजमेंट कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग सलॉजिज्म इज रियली रियली ईजी ठीक है सोलॉजिज्म इन uh, ये कुछ एक ईजी टॉपिक्स है इन इक्वेलिटीज वेरी इजी टॉपिक्स यू कैन ईजिली डू दैट

सो ट्राई टू स्कोर लाइक एट नाइन मार्क्स शेयर एंड दैट शुड भी मोर देन सफिशियंट इवन सेवन एट सफिशंट ओके अगर आप पजल नहीं कर पा रहे सॉल्व पाँच सात मिनट में नॉट अ बिग डील बहुत सारे लोगों से नहीं होती है तो इत कोई बात नहीं अब आगे बढ़िए बहुत सारी इजी टॉपिक्स हैं ओके नो बडी इज जजिंग यू इन द प्रोफेशनल नॉलेज लेट मी जस्ट हाइड माई फेस सो दैट यू कैन रीड द कॉन्टेंट प्रॉपरली I have divided the whole, uh, you know, uh, professional knowledge section into, I guess, six modules are there, I guess. Yep, six modules are there. Starting from the banking news, the most important one here is the, I have already told you, RBI circulars are most important. Anyways, some of the news contents are there. Usme says, that, questions so many questions But still, MOUs, uh, appointments uh, as a heads in various banks, insurance, uh, products, mergers and acquisitions, बैंकिंग ऑपरेशन गवर्नमेंट स्कीम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन द न्यूज़ कॉन्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्कीम्स फॉर एग्जाम्पल इन द सुकन्या समृद्धि योजना कौन करवा सकता है लिमिट्स क्या है टैक्सेशन क्या है यू नी टू गो इन डेप्थ इन द एवरी स्कीम कब आई थी ये पता होना जरूरी नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटीरियाज़ बेनिफिट टैक्स बेनिफिट सारा करना जरूरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हेयर इज द गवर्नमेंट स्कीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मर्जर तो आपको वैसे भी पता ही होगा अगर न्यूज पढ़ते हैं तो रियली रियली इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पे आई वुड से रेशियो एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ट टू थ्री डेज बिफोर द एग्जाम अगर आप ये पढ़ रहे हो यू आर डूइंग रियली वेल इसमें से एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं ठीक है कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अप्राइज इज देयर बट रेशियो एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया मनी मार्केट कैपिटल मार्केट बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स कैपिटल बजटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक दो एक दो क्वेश्चन आते हैं इन सारे टॉपिक्स में से ऑलरेडी कर रखा है तो अच्छी बात है ठीक है एक दो एक दो क्वेश्चन आते हैं कैपिटल बजटिंग में से uh, थियरी आ जाती है जिसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं एन और आई वाला टॉपिक प्लीज़ मिस ना करें एन और आई वाला टॉपिक बिल्कुल भी मिस ना करें और कैश फ्लो स्टेटमेंट में द टाइप्स ऑफ कैश फ्लो ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग इसका डिफरेंस पता होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव में कॉल पुट ऑप्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज असेंशियल ठीक है और लेवरेजेज का तो एक दो फॉर्मूला ही है छोटा सा टॉपिक है वीडियो मैंने बनाई है प्लीज़ गो थ्रू दैट अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स का मैंने लग से बनाया वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट प्रीशिपिंग पोस्ट शिपिंग क्रेडिट का बीस मिनट का वीडियो है कोर्स में प्लीज़ गो थ्रू दैट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दिस इज अ मास्टर सर्कुलर बाय आर बी आई वेरी इंपॉर्टेंट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस पूरे एग्जाम में कुछ है नहीं है करिए इसको आर बी आई की गाइडलाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोला लगा दिया इम्पॉर्टेंट पे देन डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक इट सेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई आर ए सी नॉम्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन टाइप्स ऑफ चार्जेज इज इंपॉर्टेंट आई बी सी सरफाइसी एक्ट इज़ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आरबीआई सर्कुलर्स ऑफ वन ईयर वैसे मैं वन ईयर लिखता हूँ इफ़ यू आर एबल टू डू फॉर टू ईर्यरस दैट बी वंडर्स बहुत अच्छा हो जाएगा पढ़ लीजिए कंपनीज एक्ट पढ़ने का अभी उतना टाइम नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यू कैन नॉट स्किप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एट एनी कॉस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से आप इसको स्किप नहीं कर सकते यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक इसमें से चार पाँच क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं तो आप इसको नहीं छोड़ सकते कंपनीज एक्ट अगर कर कर सकते हैं दैट्स रियली रियली गुड मैं तो कहता हूँ इससे बेटर चीज़ कोई नहीं है आप कंपनीज एक्ट करोगे तो ठीक है कर लीजिए बट प्रायरिटी हेयर शुड बी टुवर्ड्स नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन स्टैंप ड्यूटी एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लिमिटेशन एक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है तो ये आपने करना ही करना है इंपॉर्टेंट है आप छोड़ नहीं सकते तो पिछले साल का एक एनालिसिस देख लीजिए पी एस एल सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो आया था ये आई आर ए सी नॉर्म्स में से आया था तो एन की क्या डेफिनेशन है तो बी एस लिख दिए फेमा का फुल फॉर्म वेरी बेसिक क्वेश्चन आई एफ एस का फुल फॉर्म बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी आते हैं आउट ऑफ नाइन्टी यू डोंट बिलीव बीस पच्चीस क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं रिवर्स रेपो रेट एस रेट कितना है आप प्लीज़ ये पढ़ के जाए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन नो बडी कैन एक्सपेक्ट कि ऐसे क्वेश्चन भी आते होंगे बट आते हैं नेगोशियपल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यू नीड टू रिमेंबर द सेक्शन एज वेल प्लीज रिमेंबर दैट कि सेक्शन ये uh, आपने करवाया वीडियोज में भी करवाया लेकिन सेक्शन के नंबर याद रखें लोक अदालत का टॉपिक आया था एग्जाम में बेलर बेली अगेन नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट आर बी ए का सर्कुलर ठीक है अगेन लाइक आर बी ए का सर्कुलर नूमेरिकल था एक सिंपल सा ये एक सिंपल जनरल एंट्री है तो अगर आपको जनरल एंट्रीज आती हैं तो अच्छी बात है नहीं तो डिफिकल्ट जीरो से अभी समझाना लेकिन कोर्स में मैंने करवाई है जनरल एंट्रीज ए एम एल डॉक्यूमेंट्स मनी लैंड लॉन्ड्रिंग के डॉक्यूमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन पाँच साल तक रखने होते हैं ये जनरल नॉलेज है डेफर्ड बैंक गारंटी टाइप्स ऑफ ऑलरेडी डन इन द टाइप्स ऑफ गारंटी ये स्टैटिक काइंड ऑफ बैंकिंग है दिस इज ऑल्सो है गारंटीज वाला दिस इज नॉट द अपडेटेड काइंड ऑफ वन फुल फॉर्म्स हैं देन बी एस बी डी अकाउंट दिस इज अगेन एन आर बी आई सर्कुलर ये गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई आपकी जी एस uh, सुकन्या समृद्धि योजना सी एज लिमिट इन डेप्थ आपको करनी पड़ेगी स्कीम्स यू कैन नॉट जस्ट डू कि यार कब स्टार्ट हुई थी या एलिजिबिलिटी डेट्स या अगर हूँ हर एक स्कीम का इन डेप्थ में जाना बहुत बहुत ज़रूरी है चाहे वो मुद्रा है चाहे वो जनधन योजना चाहे एन चाहे पी चाहे सुकन्या समृद्धि योजना चाहे आपकी वय वंदना योजना अटल पेंशन योजना ये सारी योजनाएं आपको डिटेल में करनी पड़ेंगी कोई ऑप्शन नहीं आपके पास और आरबीआई लेंडिंग अगेंट सिक्योरिटी बेसिक बैंकिंग सी आर आर देखो तीन क्वेश्चन तीन क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे सी आर आर एस एल आर रेट क्या है एस एल आर कौन सेक्शन के अंडर आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के वेरी बेसिक क्वेश्चन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से क्वेश्चन आ गए ठीक है पावर ऑफ अटर्नी ये आपका सिंपल पावर ऑफ अटर्नी से क्वेश्चन आया था इिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी दिस वन इज फ्रॉम द चैप्टर ये लिमिटेशन एक्ट वाले में से क्वेश्चन आया था जन जीवन ज्योति बीमा योजना में से क्वेश्चन आया सुरक्षा बीमा योजना आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट ठीक है सेक्शन 138 थर्टी एट ऑफ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बनाई है मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है सो बैंक गारंटीज उम्बन आर सर्कुलर्स डेफिनेशन ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस दिस इज अगेन एन आर सर्कुलर कस्टमर प्रेजेंट एंड चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर कोलिटरल फ्री बाय एनबीएफसी बी लाख का लिमिट अगेन एन आर सर्कुलर तो ये बाकी के क्वेश्चन आप डॉक्यूमेंटेशन और रेशियो एनालिसिस में से एक दो क्वेश्चन इतनी ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास अभी रीडिंग कॉम्प्रियशन देख लीजिए तीस मार्क का था पिछले साल तो रीडिंग कॉम्प्रिएशन एरर स्पॉटिंग ईजीएस्ट होता है सबसे ईजी सो इंग्लिश का पेपर तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक भी है तो इंग्लिश का पेपर इज ऑलवेज वेरी वेरी ईजी एज कंपेर टू रीजनिंग रीजनिंग का थोड़ा सा टफ रहता है क्वानिटिव एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन इज देयर विद इन ट्वेंटी मिनट्स आप कितना ही कर पाओगे सिंप्लीफिकेशन यू कैनॉट मिस सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज रेशियोज सो दीज आर सॉर्ट ऑफ ईजी टॉपिक ये इंश्योरेंस है यू कैनॉट स्किप दीज क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन छोड़ोगे तो डिफिकल्ट कैसे करोगे ठीक है तो ये पहले करना है आपको इवन डेटा सफिशंसी इज ईजी एक्चुअली रीजनिंग में दिक्कत आ जाती है कई बार ये पजल आपको कई बार स्केल टू स्केल थ्री की तैयारी जो कर रहे हैं उनसे कई बार पजल नहीं हो पाती और यहीं पे फंस जाते हैं जबकि डायरेक्शन इज़ अ ईजीएसट टॉपिक सबसे ईजी है ये इनिकवालिटीज़ बहुत ईजी है सलाजिज्म बहुत ईजी है तो यहाँ ये आप छोड़ के पंद्रह मार्क तो आप यहाँ पे मत जाइए दस मार्क के अगर आपसे नहीं हो पा रहा है अगर आप दो तीन मार्क आपके आ रहे हैं मॉक्स में और प्रैक्टिस कीजिए दैट्स वाई पीपल टेक मॉक्स अगर आपके नहीं आप आ पा रहे हैं मार्क्स में मार्क्स तो पजल मत अटैम्प्ट कीजिए मैं तो बोलता हूँ अगर आप दो तीन चार मार्क्स आ रहे हैं अगर अच्छे आ रहे हैं देन कंटिन्यू सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल टू स्केल थ्री इज अ क्रैश कॉस्ट वी हैव क्रैश द प्राइज एज वेल इट्स अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम्स टे डॉट कॉम यू कैन यूज अ कोड गुरु ट्वेंटी ठीक है यूज दिस कोड एंड यू कैन टेक द कॉस्ट लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन वी आर कवरिंग द एंटायर सिलेबस List of our successful students, all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. I'm really, really happy for them, and you can be one of them. If there is any other doubt in your mind, please ask your doubt on my WhatsApp number. I'm going to answer your doubts. Uh, this is my number. Links are available in the description. Please check the description. Power capsule and superset is part of the course. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.